दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 257 की ट्रेलर को नॉवल के जरिए डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वैसे आपको यह वॉइस थोड़ा अलग सुनाई दे रहा होगा, प्लीज एडजस्ट कर लेना, क्योंकि कुछ दिनों तक मैं इसी वॉइस से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो प्लीज बुरा मत मानना। हमारा ट्रेलर में हम सबसे पहले देखते हैं बो साइशी को, जो कि टैंशन के 9th एग्जाम को स्टार्ट कर चुकी होती है, जिसके साथ जैसे ही बो साइशी इस प्रोसेस को स्टार्ट करती है तो उसी के साथ ही टैंशन के पैर के नीचे एक गोल्डन पैटर्न दिखाई देता है जो चारों तरफ पेल हुआ होता है। हम देखते हैं कि बो साइशी के ऊपर एक तेज गोल्डन लाइट गिरती है और ये लाइट बो साइशी के बॉडी के साथ साथ उसकी सोल रिंग को भी कवर कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रेक डेविल्स के ऊपर भी गोल्डन लाइट गिरने लगते हैं। सभी लोग जान चुके थे कि यह बो साइशी के आखिरी दिन है और वह इस टेस्ट में अपनी सेक्रिफाइस करने वाली है। ये सब देखकर सभी श्रेक डेविल्स काफी ज्यादा रोने लगते हैं। इधर सी गॉड आइलैंड के सातों सोल मास्टर भी इस नज़ारा को देखते हुए काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। वहीं बो साइशी के असिस्टेंट भी इस नज़ारा को देखते हुए ज्यादा ही रो रही होती है। तभी वह कहती है कि लॉर्ड बो सेक्सी काफी दयनीय है। वैसे ये बो साइशी के बहुत क्लोज पसंद थी और हमेशा ही बो साइशी के साथ ही रहती थी, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा ही दुखी होती है। इधर हम बो सेक्सी को देखते हैं, जो अब उसकी बॉडी पूरी तरह से डिसअपीयर्ड होने लगी थी, जिसके साथ ही बो साइशी टेंशन से कहती है, बच्चे उदास मत हो, मेरे लिए मृत्यु भयानक नहीं है बल्कि यह मेरे लिए एक राहत है। जब तक मैं टेंशन को नहीं देखा था तब तक मुझे परेशानी थी, लेकिन अब नहीं है। इस दुनिया में हम साथ नहीं रह पाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम दोनों दूसरे दुनिया में एक साथ रह सकते हैं। मैं तुम्हारे सफलता की कामना करती हूँ कि तुम एक निश्चित रूप से वास्तविक सी गॉड बन सकते हो। जैसे ही बो साइशी ये बात कहती है तो उसकी बॉडी पूरी तरह से डिसअपीयर्ड हो जाती है और वह पूरी तरह से मर जाती है। ये देखकर टेंशन काफी ज्यादा रोने लगता है, लेकिन कुछ नहीं कर सका। जिसके साथ जैसे ही बो साइशी की सेक्रिफाइस कंप्लीट हो जाती है तो उसी के साथ ही वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाती है और यह वही पोर्टल होती है जिसके अंदर ही टेंशन एक गॉड बनेगा। हम देखते हैं कि जैसे ही टेंशन इस पोर्टल के अंदर एंटर करता है तो वह एक अलग ही दुनिया में आ जाता है। यह एक ब्लू कलर का दुनिया होता है, असल में यह एक पानी की दुनिया होती है जिसके अंदर ही रियल सी गॉड रहते हैं। तभी टेंशन एक पैलेस को देखता है जो पानी की गहराई में था। ये देखकर टेंशन उस पैलेस की ओर जाने लगता है। हम देखते हैं कि जैसे ही टेंशन उस पैलेस के पास पहुंचता है और गेट से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह गेट टेंशन को पीछे धकेल देती है क्योंकि सी गॉड हार्ट बिना ये गेट ओपन नहीं होता है। लेकिन ये देखकर टेंशन सोच में पड़ जाता है और उसी के साथ ही कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा और मैं बो साइशी के सेक्रिफाइस को ऐसे ही जाए नहीं होने दूंगा। हम देखते हैं कि टेंशन उस गेट को तोड़ने के बारे में सोचता है। हम देखते हैं कि टेंशन उस गेट को तोड़ते हुए अंदर इंटर करता है, जिसके साथ जैसे ही टेंशन उस गेट में एंटर करता है तो उसी के साथ ही थोड़ा आगे जाकर देखता है तो खुद सी गॉड कुर्सी पर बैठे होते हैं। ये देखकर टेंशन सी गॉड से बातें करने लगता है। तभी सी गॉड टेंशन पूछते हैं, तुम मुझे देखते ही मेरे सामने झुके क्यों नहीं? इस पर टेंशन कहता है, मैं तुम्हारा सक्सेसर हूँ ना कोई सर्वेंट, झुकना क्यों? हम देखते हैं इन दोनों के बीच कुछ बातें चलने लगती है। तभी बातों ही बातों में टेंशन सी गॉड से कहता है, कोई भी आसानी से तय नहीं कर सकता है दूसरों का भाग्य को। इस पर सी गॉड कहते हैं कि तुम गलत हो, उसने अपनी किस्मत खुद चुनी, भगवान किसी का भाग्य का फैसला नहीं कर सकता है, यह उसकी पसंद थी, मैंने कभी नहीं निर्धारित किया कि उसे क्या करना है। हम देखते हैं कि सी गॉड टेंशन को इसके बारे में डिटेल में समझाने लगते हैं। इसकी अगले सीन में हम देखते हैं सी गॉड टेंशन 9th टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं और उससे पहले उसको कुछ बातें बताने लगते हैं। यह इनहेरिटेंस 8 भागों में कंप्लीट होगा और तुम अलग अलग दर्द को और ट्रायल्स को महसूस करोगे। याद रखना, दर्द कितना भी भयानक क्यों ना हो, तुम्हें रुके रहना होगा। हम देखते हैं इन दोनों के बीच और भी ज्यादा बातें चलने लगते हैं। हम देखते हैं कि फाइनली टेंशन के 9th टेस्ट स्टार्ट हो जाती है और इतना कहते ही आज का हमारा ट्रेलर एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।